बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हमने परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी पढ़ा कि क्या है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी और इम्परफेक्ट परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी क्या है, और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व जो है वो किस तरह बनेगा परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में और इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में। ठीक है, अब हम इस वीडियो में देखेंगे पॉलिसी इफेक्ट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, कि पॉलिसी इफेक्ट क्या होगा अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, सो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा फिगर नंबर 5.4 पे। ठीक है, ये 15.2 पे, ये सबसे पहला फिगर था 15.2 पे, ये फिगर था। ठीक है, सो इसमें पहले देखें आईएस कर्व, ये मेरा आईएस कर्व था और ये एलएम कर्व था। ठीक है, एलएम कर्व जो था वो एलएम नॉट था। ठीक है, एलएम यानी मॉनेटरी सप्लाई जो थी वो एम नॉट थी। ठीक है, और जो इनिशियल इक्विलिब्रियम था तो वो मेरा मेरे पास था पॉइंट ई नॉट पे। ठीक है, ये देखें इधर, और बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व जो है वो पॉजिटिव स्लोप है, यानी इसका मतलब है इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है। क्या है? इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया एम नॉट से एम वन, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज किया एम नॉट से एम वन कर लिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, एल एम कर्व शिफ्ट कर गई राइट हैंड साइड पे और न्यू इक्विलिब्रियम आ गया जी ई वन पॉइंट पे। देख लें, ई वन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ई वन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया ई वन पॉइंट पे। अब यहाँ देखें इधर, ई वन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में तो एक तो डेफिसिट है, यहाँ पर क्या है, डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, क्योंकि ये नीचे है डेफिसिट। इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है, वो नीचे है आपका, इससे नीचे। ठीक है, वीपी कर्व से नीचे, तो जब वीपी कर्व से ये नीचे इक्विलिब्रियम होता है तो इसका मतलब है कि डेफिसिट है। ठीक है, अब यहाँ पर जब डेफिसिट, यहाँ तक तो आ गया, यहाँ पर ये है मॉनेटरी पॉलिसी विद फिक्स एक्सचेंज रेट। ये देखिए फिक्स एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो टॉपिक था ना, ये टॉपिक था मॉनेटरी पॉलिसी विद फिक्स एक्सचेंज रेट। सो यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करने के बाद जो है वो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर गया, नेशनल इनकम इंक्रीज कर गई, लेकिन क्या हो गया, डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है, अब ये इस तरह, अब इसका आगे तो कोई इफेक्ट होगा ना, तो आगे इफेक्ट इसका ये होगा कि अब यहां पर अगर ये डेफिसिट यहां इस तरह कंटिन्यू रहा, ठीक है, डेफिसिट कंटिन्यू रहा, तो आपका नेक्स्ट जो होगा एक्सचेंज रेट जो होगा वो आपका क्या करेगा, इसको फिक्स रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए, यहाँ इसको फिक्स रखने के लिए, एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने, यहाँ पर ये तो हजार रुपये डेफिसिट फिक्स तो नहीं रहेगा ना, तो इसको फिक्स रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने जितना भी डेफिसिट होगा वो आपके सेंट्रल बैंक ने या आपके मुल्क ने प्रोवाइड करने होंगे, जितना डेफिसिट होगा, जितना भी डेफिसिट होगा, यानी एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, we have to include that money in the circulation, yani yahan par abhi deficit tha, jitna deficit hai utna demand hai, utna demand mein deficit hai utna humne supply mein provide karna hai, theek hai na, to yahan par ye cheez implicit thi ki yahan par jitna bhi aap kya karoge, jitna bhi deficit hoga to wo aapka central bank kya karega, provide karega, theek hai, ya apne ya gold bechega या गोल्ड बेचेगा इस डेफिसिट को कवर करने के लिए, या क्या करेगा, रिजर्व, जितने भी फॉरेन रिजर्व्स हैं ना, जितने भी फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको क्या करेगा, उनको सेल करेगा, ये वो कम हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, वो कम होंगे, ठीक है ना, वो कम होंगे। तो ये चीज एम्प्लिसिट थी, पहले हमने इसको पढ़ा, इसको हमने इस तरह इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, अब यहां आ जाइए, देख लेते हैं। सो यहां कहते हैं इन सेक्शन 15.2 वी फाउंड दैट, ये देखें थोड़ा सा,
In section 15.2, we found that with the fixed exchange rate, an expansionary monetary policy led up to a balance of payment deficit. वो देखिए वो डेफिसिट था, यहां पर देख लें, यहां पर डेफिसिट था, ठीक है. So suppose, for example, that at point E1 in figure 15.2, the balance of payment deficit 5 billion. यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ suppose कर ले, ये जो deficit आ रहा है, ये deficit कितना है? 5 million का है, ठीक है. So there is an excess demand for foreign exchange equal to 5 billion. मैंने सुना मुझे अभी क्या करना चाहिए, जाहिर बात है अपने 5 billion क्या करने हैं, market में डालने हैं एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने के लिए. एज एक्सप्लेन इन चैप्टर 14, वो मैंने आपको एक्सचेंज रेट में बताया था. इधर द डोमेस्टिक और फॉरेन सेंट्रल बैंक मस्ट इंटरवीन टू प्रोवाइड दिस अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ये तो आपके इंटरनल, अगर आपके पास रिजर्व्स हैं, अगर आपके पास रिजर्व हैं तो आपने रिजर्व प्रोवाइड करने हैं, अगर नहीं है तो फिर फॉरन फिर आपने IMF से कर्ज लेना है, ठीक है. यहाँ पर हेयर वी कंसिडर ओनली द सेंट्रल एंड डोमेस्टिक इंटरवेंशन का जिक्र करते हैं, IMF का जिक्र नहीं करते. अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अभी 5 बिलियन अगर ये अमेरिका का जिक्र है तो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका सेल फॉरन रिजर्व एसेट्स, फॉरन को या गोल्ड को सेल करेगा या क्या करेगा, अपने एसेट्स को सेल करेगा, ये अमेरिका की बात है. इट बाय 5 बिलियन, ठीक है, क्या करेगा, 5 बिलियन डॉलर खरीदेगा. तो ये जाहिर बात है जब ये रिजर्व सेल करता है तो ये फॉरेन रिजर्व खरीदता है. द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ दिस इज टू रिड्यूस द मनी सप्लाई बाय 5 बिलियन. जब आप खरीदेंगे तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, आपकी 5 जितनी आप खरीद रहे हैं उतनी आपकी सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाती है. द मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन फॉल बिकॉज द फेडरल रिजर्व हैज नाउ इंक्रीज इट्स होल्डिंग ऑफ डॉलर्स बाय 5 बिलियन. आप फॉरेन करेंसी को खरीदोगे, ठीक है, एंड द पब्लिक हैज रिड्यूस्ड देयर बाय द अमाउंट. जितनी आप फॉरेन रिजर्व को इंक्रीज करेंगे उतनी आपकी इंटरनल मनी क्या हो जाएगी, कम होगी. तो ये एक चीज हमने एम्प्लिसिट की थी. व्हाट वी एम्प्लिसिटली अज्यूम इन सेक्शन 15.2 वाज दैट फेडरल रिजर्व ऑफसेट दिस इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई बाय पुटिंग द डॉलर एट परचेज बैक इन सर्कुलेशन, ठीक है. जो सप्लाई ऑफ मनी आप निकालते हो तो उसको फॉरेन रिजर्व से क्या कर लेते हो, रिप्लेस कर लेते हो. और इसको हम क्या कहते हैं, दिस दे डू बाय दिस बाय बाइंग एग्जिस्टिंग यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक को से क्या खरीद लेते हैं, पब्लिक बॉन्ड खरीदते हैं. और दिस इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन. इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं. और स्टेरिलाइजेशन का मेन काम क्या होता है, prevents intervention in the foreign exchange market from affecting the domestic money supply. Domestic money supply को हम क्या कर लें, इससे बचा लें, ठीक है. Prevents intervention in the foreign exchange market from affecting the domestic money supply. Domestic money supply उससे मुतासर ना हो, ठीक है. अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी यहाँ पर 15.2 में जब हमने 15.2 किया था तो 15.2 में यहाँ पर इस चीज का जिक्र नहीं किया था कि जब हम M0 से M1 को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है तो यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पर आपकी इक्विलिब्रियम E0 से E1 आ जाती है. तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रोवाइड द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू, ठीक है. अगर ये हम नहीं करेंगे तो फिर आपका एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है ना. यानी एक्सचेंज रेट आपका इंक्रीज कर जाएगा, आपकी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी, ठीक है. अच्छा जी, अब देखिए इधर, अब हम यहां पर विद दिस इसी बैकग्राउंड से हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. और ये एग्जाम्पल देते हैं न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल देते हैं कि ये एक छोटा मुल्क है और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है. तो देखें इधर, यहाँ देखें इधर
सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास आई एस एम को ये परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, तो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में हमारे पास बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व जो है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनता है, आई एस कर्व है, एल एम कर्व है, ठीक है। लेट सपोज करते हैं सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर लिया, तो सप्लाई ऑफ मनी को जब इंक्रीज कर लेंगे ना, ठीक है, तो ये आपकी कर्व बन जाएगी, सॉरी ये हो जाएगी एल एम और ये एम वन हो जाएगी, ठीक है। और ये था आप लोगों का एम नॉट, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो पहले इक्विलिब्रियम था मेरे पास ई नॉट पे, अब न्यू इक्विलिब्रियम आ गया जी यहां देखें इधर ई वन पे, ओके, ई वन पे इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है, सही है। अब एक जाहिर बात है हम मूव कर गए हैं यहां से आइस कर्व, यहां मूव कर गई है। अब यहां देखें डेफिसिट है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपकी नेशनल इनकम जी पहले वाई नॉट थी, ठीक है, अब जी अब वाई वन हो गई, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो गया, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो गया, जी आर वन हो गया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, अब देखें इधर यहां पर ये यहां तक अभी क्या हो जाएगा, अभी डेफिसिट रहेगा। अब डेफिसिट को कवर करने के लिए क्या हो जाएगा, डेफिसिट को कवर करने के लिए, इस डेफिसिट को कवर करने के लिए क्या होगा, वो रखेगा मनी फॉरेन रिजर्व को सेल करेगा, फॉरेन रिजर्व को क्या करेगा, ये बैंक जो है न्यूजीलैंड का बैंक या जो भी कंट्री है, तो वो फॉरेन रिजर्व को सेल करेगा। जब सेल करेगा फॉरेन रिजर्व को ना, ठीक है, तो वो इस डेफिसिट को एक दफा कवर कर लेगा, आइंदा फिर डेफिसिट होगा, फिर डेफिसिट होगा, फिर डेफिसिट होगा। तो अगर ये यही सप्लाई ऑफ मनी को मेंटेन रखे ना, इस सप्लाई ऑफ मनी को मेंटेन रखेगा ना, इस M1 को सप्लाई को मेंटेन रखेगा, तो ये डेफिसिट में होगा, तो इस डेफिसिट को कवर करने के लिए वो हर दफा क्या करेगा, वो फॉरेन रिजर्व को सेल करेगा, फॉरेन रिजर्व को सेल कर, यानी फॉरेन रिजर्व उसके कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ये कर्ज लेता जाएगा, लेता जाएगा, ठीक है। तो इसकी यहां पर क्या हो जाएगा, ये एग्जॉस्ट कर जाएगा, इसके पास नहीं होंगे पैसे, ये थक जाएगा, जिस तरह पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान अभी जिस तरह इसका हमेशा डेफिसिट में होता है, डेफिसिट में होता है, डेफिसिट में होता है, तो ये क्या करेगा, इधर तो इसका एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा। अगर ये एक्सचेंज रेट को इंक्रीज नहीं करना चाहता ना, यानी एक्सचेंज रेट को फिक्स रखना चाहता है ना, तो ये फिर क्या करेगा, ही हैज टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, इसको क्या करना होगा, दोबारा अगेन इसने सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज करना होगा। अगर इसने सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज कर दिया तो ये वापस आ जाएगा इस पोजिशन पे, अगर ये नहीं रखेगा, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज रखेगा, तो ये हर दफा फॉरेन रिजर्व को सेल करेगा, फॉरेन रिजर्व इसके कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है, और ये डेफिसिट में रहेगा, एक दफा डेफिसिट में तो दोबारा ये इसके ये सूरत हाल होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हमने फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन रखना है, तो सप्लाई ऑफ मनी जो है, अगर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, तो सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज करना क्या हो जाएगा, ये एक हिमाकत होगी, और सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर जाएगा, और हम क्या हो जाएंगे, हमारा जो है वो हमसे कैपिटल फ्लाइट होगा, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया ना, तो इस मुल्क से कैपिटल फ्लाइट शुरू हो जाएगा, इससे कैपिटल निकलना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा, कैपिटल इससे निकलेगा, ठीक है, और फॉरेन रिजर्व जो है वो आप इस डेफिसिट को कवर करने के लिए फॉरेन रिजर्व को देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, ठीक है, तो आपके फॉरेन रिजर्व भी खत्म हो जाएंगे और आपका आपसे कैपिटल फ्लाइट भी हो जाएगा, तो जो मॉनेटरी यानी एक्सपेंशन ऑफ मनी जो है, एक्सपेंशन ऑफ मनी जो है, ये फिक्स एक्सचेंज रेट में ये एक हिमाकत होगी, यानी सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज, यहाँ देख लें इधर, ये आप पढ़ लें इसको,
ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, ये पढ़ लें इसको, ठीक है। अभी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिस्कल पॉलिसी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में ये है कि सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज नहीं करना चाहिए, एंड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, ठीक